Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you to this very important class. हम standards की revision कर रहे थे और हमने 200 series, 300 series को quickly go through किया और फिर हम 500 series में चले गए थे. आज हम 500 series के ही तीन बड़े important standards या topics कह लें उसको quickly revise करने की कोशिश करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी मेमोरीज़ को मैं रिफ़्रेश करूं और हम देखें कि इन इन टॉपिक्स में से कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी. तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आज हम देखेंगे दैट इज़ योर ISA 560 विच इज़ सबसीक्वेंट इवेंट्स. अच्छा, सबसीक्वेंट इवेंट्स जो हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि ऑडिटर की सबसीक्वेंट इवेंट से रिलेटेड एक ज़िम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है दैट द ऑडिटर शुड अप्लाई प्रोसीजर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड एंड अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो इसमें अगर मैं टाइमलाइन दिखाना चाहूँ आप लोगों को तो इसके अंदर एक वो टाइमलाइन है जो कि फाइनेंशियल पीरियड एंड है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जहां पीरियड एंड हुआ और जहां आपने ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर दी. तो ये जो पीरियड है 2 माह का 3 माह का 3.5 माह का फाइनेंशियल पीरियड एंड होने के बाद, इसमें तो ऑडिटर की एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने प्रोसीजर्स लगाने हैं और प्रोसीजर्स लगाकर उसने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो या तो डिस्क्लोजर रिक्वायर कर रहे होंगे या एडजस्टमेंट रिक्वायर कर रहे होंगे. अच्छा, एक चीज़ यहाँ बड़ी गौर तलब है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स विच आर आइदर रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट, ये आपसे पहले मैनेजमेंट इस पर काम कर रही है क्योंकि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लाइंस को चेक करना है. आपने तो बीइंग एन ऑडिटर जो स्टैंडर्ड 560 की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करना है और उसकी कंप्लाइंस में आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने भी प्रोसीजर्स लगाने हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो ऑडिट रिपोर्ट फाइनल या इशू होने के बाद का पीरियड है उस पीरियड की आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि उसको हम पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. तो सबसे पहला काम तो आपको ये याद होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो कि सब्सिक्वेंटली हो रहे हैं उसमें आपकी एक्टिव और पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो कौन से प्रोसीजर्स आप लगाएंगे जिसके थ्रू आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे जिनको या तो डिस्क्लोजर चाहिए या उनको एडजस्टमेंट चाहिए. अब अगर मैं अपनी टूल किट खोलता हूँ, इफ ऑडिटर ओपन इट्स टूल किट, तो टूल किट में तो वही चीज़ें हैं जिसमें इंक्वायरीज हैं, उसमें इंस्पेक्शंस हैं, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन है, उसमें रीकम्पटेशन है, उसमें रीपरफॉर्मेंस है, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, प्लस उसके अंदर रिव्यूज़ हैं. हम बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग का रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट्स का रिव्यू. ओके, सो मेरी टूल किट तो वही है. अब आपका फोकस ही होना चाहिए कि मैं उन एरियाज को फोकस करूंगा जो कि फाइनेंशियल पीरियड एंड के बाद, इसका मतलब है इस पीरियड के दौरान जो आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको आप देखेंगे, इस पीरियड के दौरान आप देखेंगे कि जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं उसको आप देख लेंगे, प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे ऑन डिफरेंट एरियाज, जैसे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, कोई नए शेयर्स तो इशू नहीं हो रहे, शेयर होल्डिंग में कोई चेंज तो नहीं आ रही, कोई नए लोन्स तो नहीं ले लिए आपने, कोई एसेट्स आपने बेचे तो नहीं हैं, कोई मर्जर और एक्विजिशन प्लान तो नहीं है, कोई ऑथोराइज्ड या इशूड शेयर कैपिटल में चेंजेस तो नहीं है. तो मैंने अभी तक आपको जो पहली बात बताई थी प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो रिव्यूज़ हैं. रिव्यू करना नहीं भूलना मिनट्स का, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेक्स्ट पीरियड की. आपने ऑडिट किया था 1 जुलाई से 30 जून फर्स्ट करें 2023,
So your audit period is 1st July 2022 to 30th June 2023. लेकिन जब आप ऑडिट पे जा रहे हैं जुलाई और अगस्त में इन द नेक्स्ट ईयर, तो उसमें नेक्स्ट ईयर की इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो चुकी हैं, जो कि हैं जी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023। ये जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको रिव्यू करना, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको आइडेंटिफाई कर दें विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्ट एट द फाइनेंशियल पीरियड एंड, और इवन इफ नॉट इंडिकेटिव बट दे आर रेलेवेंट, तो फिर आपको उनको अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड के मुताबिक या तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिलाना होगा, और अगर डिस्क्लोजर नहीं रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो फिर आपको उनकी एडजस्टमेंट्स करवानी पड़ेंगी। रिव्यू के बाद दूसरी चीज जो मैंने यहां आपकी खिदमत में पेश की है वो है इंक्वायरीज। सो यू हैव टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, और उसमें हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं इंक्वायर करने? मैनेजमेंट के पास। हम मैनेजमेंट को इंक्वायर करते हैं अबाउट एनी न्यू प्लान्स ऑफ मर्जर एक्विजिशन, एनी न्यू इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, एनी न्यू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एनी न्यू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एनी प्लान्ड न्यू लोन्स, आपको नया लोन ले रहे हैं उसको रीशेड्यूल करा रहे हैं, तो आप बहुत सारी इंक्वायरीज करेंगे मैनेजमेंट से, और उस दौरान भी आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट्स पता चल सकते हैं जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं इंक्वायरीज में ही, वो आप इंटरनल ऑडिटर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ना इंटरनल ऑडिटर का मेन काम अगर आपको याद हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करता है और सिस्टम्स को इवेलुएट करता है। तीन सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके बारे में उसका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, एंड दैट इज़ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, और उसमें वो सेल परचेज सिस्टम, ईच एंड एवरी सिस्टम। सो सिस्टम्स से रिलेटेड वो बहुत सारे काम करता होता है, और इवन इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट्स में भी इन्वॉल्व होता है जो इंटरनली चल रहे होते हैं। सो दैट मीन्स यू कैन इंक्वायर इंटरनल ऑडिटर, और आप देख सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर से भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इंक्वायरीज में भी आप फर्दर लॉयर से इंक्वायर कर सकते हैं। यू कैन इंक्वायर योर लॉयर्स अबाउट द पेंडिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स, कि जो पेंडिंग लिटिगेशन और क्लेम्स थे उसका क्या बना, उसके बारे में उनकी राय क्या है, उसके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं, आप लॉयर से इंक्वायर कर सकते हैं, उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल जो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस वो हैं जो हम मैनेजमेंट से लिखवा लेते हैं। हम कहते हैं आप लिख कर दें ये चीज़ें, हम 5-6-7 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ज़रूर ले रहे होते हैं, जिसमें गोइंग कंसर्न है, जिसमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं, जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जिसमें फ्रॉड है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेपरेशन की जिम्मेदारियाँ हैं। ये वो एरियाज हैं जिस पर हम मैनेजमेंट से रेगुलर बेसिस पर रिप्रेजेंटेशंस सीख कर रहे होते हैं। सो आई होप कि आपके दिमाग में ये बात, दो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की, एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव किस पीरियड की और पैसिव। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह के होंगे, वो कैसे प्रोसीजर्स लगाएगा, और उसमें इंक्वायरीज भी आ रही हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशंस भी आ रही हैं, उसमें रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, उसमें कन्फर्मेशंस जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स जो कि ऑडिटर लगाएगा टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो इसके रिपोर्टिंग आस्पेक्ट्स हैं, कि अगर आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करें और सब्सिक्वेंट इवेंट्स में ऐसे इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनका डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब मैं आप लोगों की क्विक मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए फौरन बताता हूँ कि इफ़ बीइंग एन ऑडिटर यू हैव आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट इवेंट्स जिनका डिस्क्लोजर या एडजस्टमेंट ज़रूरी है, और अभी वो बिफोर द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, अभी आपने रिपोर्ट साइन नहीं की और आपने ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर इम्पॉर्टेंट है, तो आप फौरन मैनेजमेंट से डिस्कस करें।
अब ये बात तो आप लोगों को पता है कि मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शंस होंगी, आइदर दे एग्री और आइदर दे डिसएग्री। इफ दे एग्री तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर देंगे, अमेंड मीन के अगर एडजस्टमेंट चाहिए तो वो एडजस्ट कर लेंगे, और अगर डिस्क्लोजर चाहिए तो वो डिस्क्लोजर दे देंगे। इफ दैट इज द केस तो फिर आपकी रिपोर्ट अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड ही होगी बिकॉज देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। इमेजिन करें कि आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई किए जिनका डिस्क्लोजर या एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी था और मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज और अकाउंट फॉर करने से इनकार कर दिया। अब ये एक केस है कॉन्फ्लिक्ट विद मैनेजमेंट का, डिसएग्रीमेंट। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, आई होप आप लोगों को याद होगा कि इफ दैट डिसएग्रीमेंट इज मटीरियल तो ऑडिटर ने रिपोर्ट को क्वालिफाई करना, एंड इफ दैट डिसएग्रीमेंट इज मटीरियल एंड परवेसिव तो ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन देना। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि रिपोर्ट इशू हो चुकी है, आई होप यू अंडरस्टैंड, पहले में तो भी रिपोर्ट आपके पास थी। दूसरे सिनेरियो में रिपोर्ट इज बीइंग इशूड टू मैनेजमेंट, रिपोर्ट आपने मैनेजमेंट को इशू कर चुके हैं। अब मैनेजमेंट तो डेफिनेटली उस रिपोर्ट को प्रिंट करेगी, उसको सर्कुलेट कर देगी, और अब आपको पता चला कि कुछ ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं जो अगर मुझे डेट ऑफ साइनिंग पे पता होते तो मैं इसकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर ज़रूर करवाता, तो फिर आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगेन यू विल एंगेज द मैनेजमेंट, यू विल डिस्कस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एग्रीज तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर देगी, करेक्ट कर देगी, एडजस्ट कर देगी, डिस्क्लोजर्स ले आएगी, और आप एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे जिसकी डेट रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले फाइनलाइज होती हैं और ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट उसके बाद है। अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो गई हैं और ऑडिटर रिपोर्ट पहले से इशू हुई हुई है, तो आप एक नई रिपोर्ट देंगे जो कि होगी अनक्वालिफाइड ही, लेकिन उसकी रिपोर्ट की डेट विल बी आफ्टर द डेट ऑफ न्यू फाइनलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैनेजमेंट डिसएग्री कर रही है और रिपोर्ट इवन पब्लिक को भी चली गई है, इवन अगर पब्लिक को रिपोर्ट चली जाए तब भी उसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए, उसमें सिनेरियो फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इफ दे डिसएग्री कि हम इसी रिपोर्ट को ही शाया कराएंगे और इसी को ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो फिर ऑडिटर विल टेक लीगल एक्शन, लीगल गाइडेंस, लीगल एडवाइस कि वो कैसे लोगों की का जो रिलायंस है ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट वो रोक सकता है। अब आखिरी इसमें रिपोर्टिंग में एक बड़े मज़े की बात है कि अगर रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, रिपोर्ट पब्लिक को जा चुकी है, और अब आपको ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स पता चले जिनकी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है और आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किया और मैनेजमेंट एग्री कर गई, तो फिर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई या चेंज करेगी, आप एक नई अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे लेकिन उसमें एक एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देंगे ताकि रीडर्स जिनको ऑलरेडी एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव हो चुकी हैं, ऑलरेडी उनको एक ऑडिट रिपोर्ट मिल चुकी है और अब महीने बाद डेट वहाँ बाद उनको एक नई रिपोर्ट आ रही है उसी साल से रिलेटेड, तो उस एम्फसिस ऑफ मैटर में आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गिविंग अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। और आखिरी केस क्या है, मैनेजमेंट डिसएग्रीज, वो कहते हैं भाई लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, पब्लिक को रिपोर्ट जा चुकी है, हम इसको एडजस्ट या डिस्क्लोज नहीं करेंगे, एंड यू बीइंग एन ऑडिटर इज ऑफ द व्यू दैट यू कैन नॉट वेट फॉर द ईयर कि अगले साल में ये एडजस्टमेंट्स हों, और आपके ख्याल में ये एडजस्टमेंट्स या डिस्क्लोजर्स का अभी होना मैंडेटरी है, तो फिर आप लीगल एडवाइस लेंगे और आप स्टेप्स लेंगे टू स्टॉप रिलायंस ऑन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो बेसिकली सब्सिक्वेंट इवेंट का टॉपिक बड़ा मज़े का है, इसमें अगर मैं इसको समराइज करूँ तो इसमें तीन एरियाज़ हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी, ऑडिटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें जो तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। अब देखते हैं कि बुक ने इसमें क्या बातें लिखी हैं। उसने कहा ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ओके, अबाउट वेदर इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से है, फाइनेंशियल पीरियड एंड होने से लेके जब तक आप रिपोर्ट साइन नहीं कर देते। बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट,
परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर्स. ये एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने प्रोसीजर्स अप्लाई करने. नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन इफ अ फैक्ट बिकम नोन दैट वुड कॉज द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट डिस्कस द मैटर. अच्छा, एक चीज़ वो है कि जब आपने रिपोर्ट साइन कर दी और भेज दी, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रोसीजर अप्लाई करने की. बट से फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग सम सब्सिक्वेंट पीरियड रिव्यू, सम इंटरिम रिव्यू, और मे बी फ्रॉम द मैनेजमेंट यू कम अक्रॉस सम इंफॉर्मेशन कि अब कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे हैं, तो फिर ऑडिटर ने देखना है कि अगर ये मुझे डेट ऑफ साइनिंग पर पता होते तो मैं इसके साथ क्या सलूक करता. ये उसने यहाँ लिख दिया कि मैनेजमेंट से आप डिस्कस करेंगे, अब इफ़ दे एग्री सिनेरियो डिफरेंट होगा, इफ़ दे डिसएग्री सिनेरियो विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट. इफ मैनेज इफ अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड मैनेजमेंट डू नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द इशू देन इशू द ऑडिटर मस्ट टेक एक्शंस टू प्रिवेंट रिलायंस. वही बात होगी कि अगर आपने रिपोर्ट इशू कर दी है और वो मैनेजमेंट उसको उसी को ही प्रिंट कराना चाहती है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहती है, और वो आपकी बात नहीं सुन रही, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कोई लीगल एडवाइस लेंगे या आप एक्शंस लेंगे कि लोग आपकी ऑडिटर रिपोर्ट पे रिलायंस प्लेस ना करें. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोइंग कंसर्न. ये तो जैसे ही आपने अकाउंटिंग पढ़नी शुरू की थी तो आपके इनिशियल टीचर्स ने आपको कुछ कन्वेंशंस बताई होंगी और उसमें से गोइंग कंसर्न का भी जिक्र आया होगा. मैं क्विकली गो थ्रू कराता हूँ. गोइंग कंसर्न इज़ बेसिकली इज़ एन अजम्पशन जिसकी बेसिस पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं, एंड दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑपरेटिव फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. शुरू में जब गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन आई थी तो उस वक्त फोरसीएबल फ्यूचर डिफाइंड नहीं था, तो कुछ अकाउंटेंट्स के ख्याल में फोरसीएबल फ्यूचर 3 months था, कुछ के ख्याल में 6 माह था, कुछ के ख्याल में साल था, कुछ के ख्याल में 2 साल था. तो फिर सब्सिक्वेंटली स्टैंडर्ड ने फोर्सिएबल फ्यूचर को डिफाइन कर दिया, एंड दैट इज़ नेक्स्ट 12 months. सो बेसिकली जब हम मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही होती है तो उसकी एक फंडामेंटल अजम्पशन होती है, और वो अजम्पशन ये है कि ये जो इदारा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एंटिटी है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं, ये इस अजम्पशन पे बनाई जा रही हैं कि वो अगले नेक्स्ट 12 months, ये इस फाइनेंशियल पीरियड एंड से नेक्स्ट 12 months तक वो ऑपरेटिव रहेगी और उसके किसी मेजर एरिया ऑफ बिजनेस को कर्टेल करने का प्लान नहीं है. ये अजम्पशन मैनेजमेंट यूज़ करती है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट ने ही गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वैलिडिटी और अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन मैनेजमेंट का काम है. मैनेजमेंट ने ही डिटरमिन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है. लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारा एक स्टैंडर्ड है 570 जिसने ऑडिटर की भी जिम्मेदारी लगा दी है कि आपने प्रोसीजर्स लगाने हैं ये चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज की है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अप्रोप्रिएट भी है या नहीं. तो इसकी अंग्रेजी है द ऑडिटर शुड अप्लाई प्रोसीजर्स टू चेक द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. सो आपने प्रोसीजर्स लगाकर गोइंग कंसर्न अजम्पशन की अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है. एक चीज मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं होंगी, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पर बनेगी. रियलाइजेशन अकाउंटिंग उसको कहते हैं. सारे एसेट्स जो हैं वो रियलाइज हो जाएंगे, सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं जिसमें प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं और लोकल शेयर होल्डर्स, उनको ये सारी चीज़ें तकसीम हो जाएंगी. सो फंडामेंटली गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहीं लिखी नहीं है, बल्कि ये एक अजम्पशन है और इस अजम्पशन को मैनेजमेंट यूज़ कर रही है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इफ एंटिटी इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न then financial statement should be prepared on a breakup basis. Standard ने जो हमारी duty लगाई है, हर standard ने कोई ना कोई duty लगाई है. Going concern के standard ने ये कहा कि आपने procedures लगाकर going concern assumption की appropriateness को check करना है. अब ये check कैसे होगी? तो फिर वही आपके दिमाग में toolkit आएगी
कि आप कुछ रिव्यूज करेंगे, आप कुछ चीज़ों का रिव्यू कर लेंगे, कुछ इंक्वायरीज कर लेंगे, कुछ इंस्पेक्शंस कर लेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस ले लेंगे, मोर और लेस सब्सिक्वेंट इवेंट और गोइंग कंसर्न में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं। अब डेफिनेटली इससे पहले, प्रोसीजर्स लगाने से पहले बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो स्टैंडर्ड ने अपने इंडिकेटर्स को तीन एरियाज में डिवाइड किया, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, ऑपरेशनल हैं और अदर इंडिकेटर्स। अब फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की मैं अगर जल्दी से आपसे बात करूं कि अगर कंपनी की कैश फ्लोज नेगेटिव हैं, लोन्स हैं और मजीद लोन्स मिल नहीं रहे, रेशियोज एडवर्स हैं, लोन्स की रीपेमेंट आ गई है, पैसे नहीं हैं, मजीद पैसे मिल नहीं रहे, सारी रेशियोज एडवर्स हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं विच आर कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब ऑपरेशनल इंडिकेटर्स में क्या आ रहा है, आपको जी सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर, आपके की कस्टमर चले गए हैं, आपके की सप्लायर चले गए हैं, एफिशिएंसीज इश्यूज आ रहे हैं, ये आपके ऑपरेशनल इंडिकेटर्स हैं। और अदर्स में आप सोशल इंडिकेटर्स ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स ले सकते हैं, लीगल इंडिकेटर्स हैं, पोलिटिकल इंडिकेटर्स हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि आप जब भी किसी इदारे में जाएंगे, इंडिकेटर्स तो होते हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी होंगे, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स भी, तो हमने कभी इंडिकेटर्स की बेसिस पर ये कंक्लूड नहीं कर लेना कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, बल्कि हमने अपने फर्दर प्रोसीजर्स लगाने। अब प्रोसीजर्स अगर आप देखें तो सबसे पहले आप रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट के गोइंग कंसर्न अजम्पशन की अप्रोप्रिएटनेस इवेल्युएशन के प्रोसेस को। आप कहेंगे जी आप बताएं आपने कैसे ये डिटरमिन किया कि आप गोइंग कंसर्न हैं, सो यू शुड रिव्यू द मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर इवेल्युएशन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सेम केस विद सब्सिक्वेंट इवेंट्स एज वेल, वहां भी आपने मैनेजमेंट के सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को रिव्यू करना। अच्छा, फिर आप मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऑडिट कमेटी है, टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग्स हैं, उसके मिनट्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहां से आपको शायद इंडिकेटर्स मिलें कि इनके गोइंग कंसर्न्स के इश्यूज हैं। देन यू कैन रिव्यू द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप अगले तीन माह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह की रेशियोज हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ओके, सो यू कैन इंक्वायर, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं अबाउट सो मैनी थिंग्स कि अगर आपकी जो लोन्स हैं इसका क्या होगा। यू कैन हैव अ डिस्कशन विद सीईओ कि यू हैव फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो व्हाट इज योर प्लान, हाउ यू कैन ओवरकम, हाउ यू कैन डील विद कैश शॉर्टेजेस, हाउ यू विल डील विद योर वर्किंग कैपिटल कैश मैनेजमेंट इश्यूज, हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन मोर लोन्स, इज देयर एनी प्लान टू ऑब्टेन मोर शेयर कैपिटल। So you can inquire management, chief executive, review certain documents. अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी important चीज़ है, procedures की बात करें या mitigating factors की बात करें या further audit procedures की बात करें, तो उसके अंदर definitely आप ये inquiries तो करेंगे ही, आप management से उनके cash flow forecast लेंगे। आप कहेंगे जी मुझे आप अपनी cash flow forecast दे दें, मैं उस forecast को evaluate करूँगा, उसको आप challenge करें, उसके अंदर जो assumptions दी हुई हैं। अब मैनेजमेंट की फोकास्ट है कि सेल 30% से ग्रो करेगी, आप देखें वाकई पिछले सालों में हर साल सेल 30% से ग्रो करेगी। यू कैन चैलेंज मैनेजमेंट अजम्पशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फोकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उसमें जो अजम्पशन यूज हुई हैं उसकी कंसिस्टेंसी देखें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई प्रोसीजर। सो आप रिव्यू कर सकते हैं, आप इंक्वायरीज कर सकते हैं, आप कैश फ्लो जो फोकास्टेड है उसका रिव्यू कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप लॉयर से मिल सकते हैं, आप इंटरनल ऑडिटर से मिल सकते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पर आप काम करेंगे। जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट के डॉक्यूमेंट में तीन चीज़ें थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग आस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न में भी वैसे ही है। आपने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी का अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या गोइंग कंसर्न पे काम करना मेरी जिम्मेदारी है, आंसर इज यस। क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे काम करना मेरी जिम्मेदारी है, आंसर इज यस। अब गोइंग कंसर्न पे काम कैसे करना है, प्रोसीजर्स लगाने हैं, और प्रोसीजर्स वही हैं, रिव्यू करना है बहुत सारी चीज़ों का, इंक्वायरी करनी है बहुत सारे लोगों की, इंस्पेक्शन करने हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं,
प्लस आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशंस भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर आपको फर्दर कुछ इंडिकेटर्स बताए जिसमें फाइनेंशियल है। अक्सर एग्जाम क्वेश्चंस में देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स जो कि नजर आ रहे होते हैं जिस पर आपने बात करनी। फर्दर मोर जो तीसरा एरिया है वो आपकी रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। अब पहला केस जो है इसके अंदर, अगर तो एंटिटी गोइंग कंसर्न है, देयर इज एवरीथिंग इज फाइन, तो फिर गोइंग कंसर्न का जिक्र पूरी रिपोर्ट में कहीं भी नहीं आएगा, खामोशी। अगर ऑडिटर रिपोर्ट खामोश है, गोइंग कंसर्न पे कोई बात नहीं हुई, तो ये एक फंडामेंटल अजम्पशन है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है और ऑडिटर ने भी उसको चेक किया है। गोइंग कंसर्न जब इन क्वेश्चन आएगी या उस पर सिग्निफिकेंट डाउट्स होंगे तभी उस पर बात होगी। अब केस नंबर वन इसमें ये है कि इफ एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, एंटिटी गोइंग कंसर्न है लेकिन एक सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी आ गई, कंपनी पे केस हुआ है, केस का आउटकम अनसर्टन है, उसकी इंप्लीकेशंस का नहीं पता, तो अब जो नई ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप एक सेपरेट पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसमें आप उस मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करेंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होगी और आप उसका रेफरेंस वहां देंगे। पहले हम इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कवर करते थे बट नाउ इन न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर इज अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर दैट। लेकिन ये पैराग्राफ तभी आएगा जब कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। ये तो केस नंबर वन हो गया, एंटिटी गोइंग कंसर्न है बट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट इज सपोज टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू नीड टू हैव अ सेपरेट पैराग्राफ इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट टू डिस्कस दैट। एंड इफ मैनेजमेंट डिसएग्री कि हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम इस अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, देन दिस इज द केस फॉर कॉन्फ्लिक्ट विद मैनेजमेंट। इफ यू बिलीव इट्स इज मटेरियल यू शुड क्वालिफाई एंड इफ यू बिलीव इट्स मटेरियल एंड परवेसिव यू शुड गो फॉर एन एडवर्स ओपिनियन। केस नंबर टू है एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, एंटिटी गोइंग कंसर्न है ही नहीं और मैनेजमेंट एग्री कर गई है, फिर तो झगड़ा खत्म हो गया है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनेगी बल्कि वो ब्रेकअप बेसिस पर बनेगी। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने ब्रेकअप बेसिस पे बना दी हैं तो फिर आप एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। झगड़ा कहाँ आएगा? आपके ख्याल में बीइंग ऑडिटर इज ऑफ द व्यू एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न और मैनेजमेंट का ख्याल है कि हम गोइंग कंसर्न हैं, अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। अब आपको बीइंग एन ऑडिटर हर हाल में एडवर्स ओपिनियन ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये केस नंबर टू हो गया। केस नंबर थ्री है कि आप गोइंग कंसर्न से रिलेटेड एविडेंस ही नहीं इकट्ठी कर सके, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, या मैनेजमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो नहीं दी। सो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन। और स्कोप लिमिटेशन में आप सब स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए, इफ देयर इज अ स्कोप लिमिटेशन एंड दैट इज मटेरियल, इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू ऑप्शंस विद यू। वन, इफ दैट स्कोप लिमिटेशन इज मटेरियल तो फिर आपने रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है, एंड इफ दैट मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल एंड परवेसिव यू हैव टू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जिसमें ऑडिटर ओपिनियन देने से इनकार कर देता है। सो वही तीन बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, प्रोसीजर्स कौन कौन से लगाने हैं, और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। अब देखते हैं बुक ने तो इसमें, आपकी बुक ने इसमें रिविजन में कुछ खास बातें की नहीं। यू हैव टू ऑब्टेन सफिशियंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस, ये बात कर चुके हैं, कंक्लूड वेदर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और नॉट, और फिर इसकी रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस हैं। आई थिंक हमने ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया है, सो लेट्स टेक अ वन मिनट ब्रेक। ओके, तो जो थर्ड टॉपिक है इस लेक्चर का दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार डिस्कशन से, बार बार के प्रोसीजर से आप सब स्टूडेंट्स को तो याद हो जानी चाहिए कि ऑडिटर मैनेजमेंट से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस ले रहा होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एनीथिंग साइंड बाय द मैनेजमेंट इज रिप्रेजेंटेशन बाय द वे। ओके, सो वी कैन टेक एज मेनी एज रिप्रेजेंटेशन, बट जर्नली ये होता है कि ऑडिटर एक स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के कॉन्टेंट्स इकट्ठे करता जाता है
और एट द एंड ऑफ द ऑडिट वो एक्सपेक्ट करता है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैनेजमेंट अपने लेटर हेड पर ऑडिटर को साइन करके बाय सम सीनियर ऑफिशियल दे देगी। उसके अंदर बहुत सारी स्टैंडर्डाइज चीज़ें ऑडिटर इंक्लूड कर लेता है और कस्टमाइज चीज़ें भी होती। सो नॉर्मली वी रिसीव द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एंड वी इशू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक चीज़ यहाँ मैं दोबारा बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, Never ever confuse management representation letter with management letter. Management letter वो है जो auditor issue करता है management को in accordance with 260 and 265. जबकि जो management representation letters हैं वो हैं जो management sign करके दे रही होती है auditors को। So ML is issued by the auditor to the management, जिसमें हम significant deficiencies की बात करते हैं, control deficiencies की बात करते हैं, अगर कोई planning considerations हैं, risk assessment हैं, materiality levels हैं, कुछ scope limitations हैं, इन चीज़ों का जिक्र हम उसके अंदर कर रहे होते हैं। लेकिन जो management representations हैं वो management दे रही होती है। Okay, अब हमने जितने भी key areas हैं उस पर management से representations लेनी है, लिख कर दें। हम मैनेजमेंट से कहते हैं लिख कर दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन आपकी जिम्मेदारी है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू राइट इट डाउन। आप लिख कर दें कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अप्रोप्रिएटनेस आपने चेक की है और आपके ख्याल में एंटिटी गोइंग कंसर्न है। आप लिख कर दें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सारी आइडेंटिफाई हो गई हैं, डिस्क्लोज हो चुकी हैं और डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट है। आप लिख कर दें कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाइड हैं, डिस्क्लोज्ड हैं, अकाउंटेड फॉर हैं, आई होप। और आप लिख कर दें कि इंटरनल कंट्रोल्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी फॉलो कर रहे हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉड प्रिवेंशन और फ्रॉड डिटेक्शन भी आपकी ही जिम्मेदारी में फॉल कर रहा है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप मैनेजमेंट से जो रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं उस पर आपने काम नहीं करना। जैसे गोइंग कंसर्न पर तो ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर, सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे काम करना है, रिलेटेड पार्टीज पे काम करना है, फ्रॉड में 240 से रिलेटेड जो रीजनेबल अश्योरेंस के लिए प्रोसीजर्स लगाने हैं वो करने हैं। बट रिटन रिप्रेजेंटेशन से एक फर्दर लायबिलिटी मैनेजमेंट पे ऐड हो जाती है बिकॉज दे आर साइनिंग इट, दे आर राइटिंग इट डाउन। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू में बता दूँ कि अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार करिए, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव रिप्रेजेंटेशन, सो दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन एंड डेफिनेटली इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट पर आएगा। अनलेस और अंटिल कि आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके एविडेंस इकट्ठी करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ओके? लेकिन अगर आप एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक स्कोप लिमिटेशन है। अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज समथिंग एडिशनल, इट शुड नॉट बी टेकन एज द ओनली ऑडिट एविडेंस। मेजॉरिटी केसेस में ये एक एडिटिव रिटन रिप्रेजेंटेशन हैं जो आप मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। इन वेरी फ्यू केसेस इट इज सपोज टू बी द ओनली ऑडिट एविडेंस विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करें एक इन्वेस्टमेंट है, आप देख रहे थे कि मैनेजमेंट ने कुछ शेयर्स खरीदे हुए और मैनेजमेंट का ख्याल है कि ये शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें और आपका ख्याल है कि ये शॉर्ट टर्म है। अब इसके लिए अगर मैनेजमेंट आपको एक अंडरटेकिंग दे देती है कि दीज शेयर्स वी हैव परचेज फॉर अ लॉन्ग टर्म, इन दैट पर्टिकुलर केस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन माइट बी द ओनली एविडेंस बिकॉज दे हैव द इंटेंशंस टू होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन केस ऑफ एसेट्स, बिकॉज इन दैट केस management representation will not work or will not work because in that particular case audit evidence is reasonably expected to be available. Main jumla bolta hu, if audit evidence is reasonably expected to be available then management representation might not work or it will not only work for that matter. Aapko alternate procedures, extra procedures laga kar evidence obtain karni hai jo sufficient and appropriate. आई थिंक अभी तक आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। एक रिप्रेजेंटेशन लेटर है, उसके कॉन्टेंट्स हैं, मैनेजमेंट ने उसको देखना है, उसके एलिमेंट्स की हमने बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो एडिशनल हैं या ओनली ऑडिट एविडेंस है किन किन केसेस में। फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार करे तो वो स्कोप लिमिटेशन।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर कॉन्फ्लिक्टिंग रिप्रेजेंटेशंस आ जाएं, फर्ज करें आपने ऑडिट के शुरू में कुछ रिप्रेजेंटेशंस ली थी, या मिस्टर ए से आपने कुछ रिप्रेजेंटेशन ली और मिस्टर बी से कुछ रिप्रेजेंटेशंस ली जो कि इंटायरली डिफरेंट है, सो अगर कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही है मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस में, तो फिर ऑडिटर ये देखेगा कि डेफिनेटली मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन है, कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है. और द मोमेंट मैनेजमेंट्स इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन, तो आपकी जो इनहेरेंट रिस्क की इवेल्युएशन है वो इंटायरली चेंज हो जाएगी. जैसे आपका इनहेरेंट रिस्क चेंज होगा, डेफिनेटली आपके कंट्रोल रिस्क पे भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आ सकता है, कि अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है या कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो आप कंट्रोल रिस्क को भी रीवेल्युएट करना चाहेंगे. There might be certain overriding of controls, but this is not mandatory. So inherent risk high होने से आपका audit risk बढ़ जाएगा, और audit risk बढ़ने से आपका chances of giving wrong opinion, in that case आपके substantive procedures का extent increase कर जाएगा. So I think मैंने इन चीज़ों को quickly go through करने की कोशिश की है. Reporting considerations में वही हैं, अगर representation management नहीं देती तो फिर डेफिनेटली इट विल कंसिडर टू बी अ स्कोप लिमिटेशन विच विल बी हैविंग एन इम्पैक्ट. अब देखते हैं उसने यहाँ चैप्टर में दो चार बातें कौन कौन सी लिखी हैं. रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट है, प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, ये हम बात कर चुके हैं. कंटेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन, या तो थोड़े कॉन्टेंट्स लिखे हैं, हमने ज़्यादा बात कर ली है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्प्लीट हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हैं, प्लान दैट मे अफेक्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट और एज रिक्वायर्ड बाई 240, 250, ये वही स्टैंडर्ड्स हैं. इन सारों से रिलेटेड हम गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, फ्रॉड, इन सारे से हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशंस ले लेते हैं. सो रिप्रेजेंटेशन इज एनीथिंग साइन बाय द मैनेजमेंट. ये भी हो सकता है कि ऑडिटर एक चीज़ ड्राफ्ट करे. फर्ज करें आपने सीईओ के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग के मिनट्स बनाए और आपने कहा सर इसको पढ़ लें और साइन कर दें. अगर सीईओ उसको साइन करता है तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ रिप्रेजेंटेशन. एनीथिंग साइंड बाय द मैनेजमेंट गिवन टू द ऑडिटर, even if drafted by the auditor or drafted by the management, this does not matter, it's considered to be a representation. So aaj ke lecture mein humne teen topics ko cover karne ki koshish ki hai. Usme ek subsequent events the which is 560, then we worked on 570 which is going concern, aur teesra humne jo area hai jisko management representations ya written representations kehte hain. Do not confuse management representation with management letter. So I hope you will be taking good care of yourself. Allah Hafiz.